विधानसभा चुनाव में सीसामऊ विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुनील बाबू ने ग्वाल टोली, मैक्रॉबर्टगंज, खलासी लाइन, आर्यनगर, चुन्नीगंज आदि स्थानों पर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और भरपूर विकास का वादा किया। साथ ही कहा, दिल्ली मॉडल से विकास कराकर स्वास्थ्य शिक्षा के हालात सुधारे जाएंगे। कहाँ से जनसंपर्क किया है और कहाँ पर? 213 सीसामऊ विधानसभा के अंतर्गत वार्ड नंबर 4, PWD 480 ऐराना, ग्वाल टोली होते हुए नारायण दास का हाता, इन सब जगह जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के तहत हमने सभी लोगों से केजरीवाल जी की उपलब्धियां बताई, दिल्ली में चल रही सरकार की उपलब्धियां बताई। सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री, अच्छी चिकित्सा देने का वादा किया है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई देने का वादा किया है। इसके साथ साथ हर वर्ष 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इन केस अगर जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक 5,000 रुपये महीना देने का वादा जनता से किया है और अपील की है कि अब की बार आम आदमी प्रत्याशी को जिताइए, अच्छी सरकार बनाइए, ईमानदार सरकार बनाइए, बच्चों का भविष्य बनाइए, जब बच्चे पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इसी के कारण आज हम लोग क्षेत्र में जन जन तक घर घर जा जा के इस संदेश को दे रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं और हमें पूर्णतः आश्वासन मिल रहा है और जनता का जनसैलाब बढ़ रहा है कि सच में सपा बसपा भाजपा को देखकर अब आम आदमी पार्टी जैसी ईमानदार सरकार कोई नहीं चला सकता। उसी के तहत हम लोग हर तरीके से जन जन तक पहुंचाने का संदेश काम कर रहे हैं।